हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद दिनास है और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करने। तो आज की वीडियो में जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल जो आज खेला गया था इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पिछले दो दिन से जो है हम सब यही सर्च कर रहे थे मेलबर्न फोरकास्ट, क्योंकि बारिश की फोरकास्ट आ रही थी और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया ने 100% फोरकास्ट प्रिडिक्ट कर दी थी बारिश की ड्यूरिंग द गेम, और ऐसे नहीं लग रहा था कि मैच हो भी पाएगा। और रिजर्व डे भी रखा था ICC ने इस फाइनल के लिए, लेकिन उस पर भी बारिश की प्रिडिक्शन थी, तो उसकी सारों ने पहले दुआ की कि बारिश ना हो। और लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर क्रिकेट लवर्स जो है बारिश नहीं हुई, और इवन द फोरकास्ट थी लेकिन फोरकास्ट इम्प्रूव होती रही विद टाइम, और जो है बारिश नहीं हुई फिर, और मैच अपने वक्त पे स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग वेंट स्मूथ। इंग्लैंड वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। इंग्लैंड के मार्क वुड और डेविड मलान वर नॉट प्लेइंग एज दे वर नॉट फुली फिट, और दोनों ने खेल रहे थे एंड दे बोथ सेट आउट इन द ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल। और पाकिस्तान वेंट इन विद द सेम टीम। पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ वेल विद द बैट, जिस तरह बाबर और रिजवान ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था, एक डिसेंट स्टार्ट दे दिया था, क्योंकि अप फ्रंट जो है बॉल मूव हो रही थी, विकेट पे स्विंग हो रही थी और इजी नहीं थे बैट करना, आते साथ ही जो है वो बैट्समैन के लिए आसान नहीं था MCG में बैटिंग करना, होता भी नहीं है। और जिस तरह फिर बाबर और रिजवान ने निगेट की अर्ली ऑन स्विंग को, अर्ली विकेट नहीं लूज की बाबर और रिजवान ने, और वहां से फिर बाबर और रिजवान ने काफी अच्छा स्टार्ट दे दिया था, रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक और बाउंड्रीज भी आउट बॉल पे लगा रहे थे दोनों, और रिजवान ने फिर एक फाइनल का पहली बाउंड्री लगाई रिजवान ने फाइनल की, और पहला छक्का लगाया सैम करन क्रिस वोक्स को जब रिजवान ने सिक्स मारा, एंड वहां से फिर पाकिस्तान का क्राउड जो था सी ऑफ ग्रीन आया हुआ था MCG में, और सारे लोग वहां से फिर द क्राउड इरप्टेड और पाकिस्तान वर आफ्टर अ गुड स्टार्ट। पाकिस्तान वर 32 विदाउट लॉस इन द फोर ओवर्स, लेकिन वहां से फिर जो है रिजवान जो थे, रिजवान देन गॉट आउट अनफॉर्चुनेटली, बोल्ड चॉप ऑन टू द स्टंप सैम करन द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंग्लैंड इन दिस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो था, ही स्ट्रक वंस अगेन, रिजवान जो थे वहां से 15 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद हारिस जो थे द एक्स फैक्टर प्लेयर फॉर पाकिस्तान इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसमें रह चुके, लेकिन आज हारिस जो थे वो लग ही नहीं रहे थे अपने ग्रोव में, क्योंकि वो ही वो जस्ट वो मतलब बस हिट कर रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे बॉल कहाँ आ रहा है, कहाँ पिच हो रहा है, स्लोअर वन है, कटर है, लेग कटर है, बाउंसर है, ओके वो बस अपना बल्ला घुमा रहे थे। और MCG की जितनी बड़ी बाउंड्रीज हैं स्क्वायर विकेट खासतौर पर, तो वो लगनी भी नहीं थी और लग भी नहीं रही थी, और इंग्लैंड वालों को पता था वो अटैक करेगा, और इंग्लैंड हैड डन देयर होमवर्क फॉर हिम, और स्लोअर वंस कर रहे थे इंग्लैंड। और हारिस जो है वो फिर हारिस की मिजरी जो थी वो केम टू एन एंड व्हेन ही गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 8 रन ऑफ 12 बॉल्स। आदिल रशीद की पहली बॉल पे हारिस ने उसे सिक्स लगाने की कोशिश की और कैच आउट हो गए, और हारिस जो थे 8 रन बना के आउट हो गए, और पाकिस्तान लॉस द सेकंड विकेट। उसके बाद जो शान मसूद जो थे ही जॉइन बाबर आजम दूसरे एंड से काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ही कैरीड ऑन हिज फॉर्म फ्रॉम द सेमीफाइनल्स, और बाबर ने फिर जिस तरह की बैटिंग की, रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक बाबर, बाउंड्री भी लगा रहे थे और इनिंग्स को वो इकट्ठे लेके चल रहे थे, क्योंकि बाबर समझ गए थे कि ये विकेट जो इतने इसमें छक्के नहीं लग सकते और सिंगल डबल इज द वे टू गो। शान मसूद भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सिंगल डबल रोटेट स्ट्राइक कर रहे थे, बाउंड्रीज भी लगा रहे थे, और लिविंगस्टन के ओवर में जब फिर शान मसूद ने चार्ज किया और लिविंगस्टन के ओवर को 16 रन गए वहां पे मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ आ गया, एंड द मोमेंटम शिफ्टेड कम्प्लीटली टुवर्ड्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान वो 88 for 2 आफ्टर 11 ओवर्स, और वहां से लग रहा था कि पाकिस्तान एक अच्छे टोटल की तरफ जाएगा और दे लुक सेट टू गो एंड लॉन्च एट द डेथ ओवर्स, लेकिन वहां से फिर बाबर आजम वाज बैटिंग रियली वेल, गॉट आउट वंस अगेन बाय आदिल रशीद हु वाज बॉलिंग आउटस्टैंडिंगली वेल, पिच से हेल्प मिल रही थी, और आदिल रशीद जो थे फिर वो ये पिक्ड अप बाबर आजम ऑफ हिज गुगली, बाबर गुगली रीड नहीं कर पाए थे, एंड चिप्ड वन स्ट्रेट बैक टू द बॉलर, गुड कैच था आदिल रशीद का, 32 रन बना के बाबर आउट हो गए, पाकिस्तान लॉस्ट द थर्ड विकेट। और इफ्तिखार अहमद जो थे ही स्ट्रगल टू एज वेल, इफ्तिखार आल्सो नोन एज चाचू,
ऑल्दो वो माइंड करते हैं, लेकिन इफ्तिखार अहमद जो थे ही स्ट्रगल्ड एज़ वेल टू गेट गोइंग। आदिल रशीद की वो कोई भी बॉल पिक नहीं कर पा रहे थे, और पहले तो 5 बॉल ने डॉट खेले, आदिल रशीद को विकेट मेडन हुआ, और अगले ओवर में बेन स्टोक्स ने जो था बेन स्टोक्स की निक हुई और इफ्तिखार अहमद गॉट आउट ऑफ स्कोरिंग 6 बॉल डक, और वहां से पाकिस्तान में प्रेशर आ गया था वापस। शादाब खान केम इन और शादाब और शान ने थोड़ी बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और एक अच्छी बैटिंग एक दोबारा मतलब एक उन्होंने पाकिस्तान के लिए उन्होंने इनिंग्स को दोबारा पांच पे लेके गए और दोनों उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट की इनिंग्स और मूव फॉरवर्ड किया। अच्छे रेट पे जा रहे थे दोनों, क्योंकि दोनों फिट प्लेयर्स हैं, वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और दोनों जो थे वो अच्छी तरह रन कर रहे थे, हिट भी कर रहे थे, और दोनों जो थे वो स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे। अब पाकिस्तान में 124 आफ्टर 16 ओवर्स, और ऐसा लग रहा था कि 160 प्लस हो जाएगा, क्योंकि विकेट भी इतने की थी, 160 प्लस ही थी ये विकेट, और अगर ये वहां से लग रहा था कि अगर सिंगल डबल भी करें तो 160 हो जाएगा, लेकिन फिर शान मसूद जो थे ही ट्राइड टू हिट अ सिक्स, और शान मसूद जो थे ही गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 38 रन्स, प्लेड वेरी वेल शान मसूद, और शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेली थी और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, और लेकिन ही गॉट आउट एट द रॉन्ग टाइम फॉर पाकिस्तान और एक 38 रन बना के आउट हो गए, पाकिस्तान लॉस द फिफ्थ विकेट, और वहां से पाकिस्तान कम्प्लीटली लॉस द वे। शादाब जो थे वो भी फिर अटैक करने की कोशिश में आउट हो गए, अब 20 रन बना के आउट हो गए, ही कुडंट डू मच आफ्टर शान लेफ्ट। नवाज हु हैड अ पुअर हॉरिबल टूर्नामेंट नवाज का, नवाज वंस अगेन कंटिन्यूड हिज पुअर फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप, 5 रन बना के आउट हो गए। वसीम जूनियर जो थे ही कुडंट डू ऐड मच टू विद द बैट एज वेल, और एंड के डेथ ओवर्स में तो पाकिस्तान लिटरली स्ट्रगल विद द बैट। जिस तरह इंग्लैंड ने बॉलिंग किया, फिर अच्छी तरह उन्होंने लॉन्ग स्क्वायर की लंबी बाउंड्रियों को इस्तेमाल किया, उन्होंने जिस तरह फिर इस्तेमाल की स्क्वायर की बाउंड्रीज का आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है, और पाकिस्तान के बैट्समैन जो थे वो स्विंग कर रहे थे और मिस कर रहे थे, कॉमन सेंस डिड नॉट प्रिवेल, सिंगल डबल करते तो 150-160 हो जाता, लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने वो स्विंग किया, उन्होंने जैसे नॉर्मल खेलते हैं हर कोई T20 के डेथ ओवर में स्विंग करता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रही थी, पाकिस्तान की इनिंग जो थी गॉट केम टू एन एंड एंड एक्सट्रीमली पुअर एंड 137/8 था पाकिस्तान का स्कोर, और 138 रन वर द टारगेट फॉर इंग्लैंड टू विन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इनिंग्स ब्रेक पे तो यही लग रहा था कि ये आसानी से चेज कर लगे इंग्लैंड, क्योंकि अच्छा स्कोर नहीं था ये, एंड पाकिस्तान में 15-20 रन शॉर्ट ऑफ पार ऑन दिस MCG विकेट, और ऐसे नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड वाले आसानी से चेज कर लेंगे ये मैच, ये टारगेट और वर्ल्ड कप विनर्स हो जाएंगे, लेकिन भाई पहले ही ओवर में जिस तरह भी शाहीन शेफरीदी ने स्टार्ट किया एलेक्स हेल्स को शाहीन ने भी जिस तरह बोल्ड मारा और आउटस्टैंडिंग बॉल थी, जरा देखें कि किस तरह शाहीन ने उसे इन स्विंगर किया, और एलेक्स हेल्स का रिएक्शन देखे बाकी से, वो समझा कि ये है इंडिया के वही बॉलर जिन्हें हमने 16 ओवर में 170 मारा, लेकिन यह था शाहीन शेफरीदी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बोल्ड हो गए वहां पे। पाकिस्तान गॉट द अर्ली विकेट्स आफ्टर एलेक्स हेल गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग वन रन, और उसके बाद फिल सॉल्ट आए, बटलर जो थे बटलर देन टुक द चार्ज, और बटलर दूसरे एंड से अटैक कर रहे थे, नसीम शाह को एक ही ओवर में 3 चौके लगे एंड पुट द प्रेशर राइट बैक ऑन पाकिस्तान। हारिस राउफ देन केम इन, और हारिस राउफ द फायरी हारिस राउफ ने यू नो ही कॉल्स द MCG हिज सेकंड होम ग्राउंड, और ही प्रूव्ड इट दैट इट वाज हिज सेकंड होम ग्राउंड। हारिस के नारे लग रहे थे, हारिस पिक्ड अप 2 वाइटल विकेट्स फॉर पाकिस्तान, अब बटलर और सॉल्ट को उसने आउट किया, जिस तरह सॉल्ट आफ्टर स्कोरिंग 10 रन्स वाइल बटलर गॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग 26 रन्स, एंड पाकिस्तान वर राइट ऑन टॉप राइट बैक इन द गेम व्हेन बटलर गॉट आउट एंड इंग्लैंड वर 46/3 आफ्टर 5 ओवर्स, और पाकिस्तान वर ऑन टॉप ऑफ राइट बैक इन द गेम। उसके बाद स्टोक्स और ब्रूक्स आए, इन दोनों ने फिर रिकंस्ट्रक्ट किए इनिंग्स इंग्लैंड के लिए एंड दे पेव्ड द पाथ, क्योंकि 6 ओवर में 50 हो गए थे और 89 रन चाहिए थे अगले 14 ओवर में, और ज्यादा रिस्क खेल लेने की जरूरत नहीं थी इंग्लैंड को, और उन्होंने मेक श्योर किया स्टोक्स और ब्रूक ने दोनों ने कि हम आराम से खेलेंगे और हम ये पूरा कर लेंगे स्कोर। दे केप्ट रोटेटिंग द स्ट्राइक, ऑड बॉल पे बाउंड्री लगा रहे थे, लेकिन स्टोक्स जो था स्टोक्स की तो जिस तरह की लक हुई है
मैं कह तो ये जैसे सरफराज ने नहीं कहा था वो अंडाइल फेलो कवायो को, अबे काले काम अटी दे यम्मा क्या पढ़वा गया है स्ट्रोक्स का भी आज यही कोई सीन था। मतलब इतनी दफा बचा है जो उसने कोई बॉल्स खेले, मतलब प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस। नसीम शाह 5 in a row, हारिस श्रॉफ 3 in a row, मतलब लक जो था पाकिस्तान के साथ नहीं था। और शाहीन और स्टोक्स जो था वो मतलब बच रहा था बार बार। और नसीम शाह क्या कमाल की बॉलिंग की है, पहले 2 ओवर में उसने स्कोर किया, लेकिन जिस तरह उसने भी कम बैक किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है नसीम शाह ने, जिस तरह की बॉलिंग की उसने, ही डिजर्व विकेट ओवर देयर। अनलकी था कि विकेट नहीं मिली, और जितनी तारीफ की जाए कम है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है नसीम शाह, वन ऑफ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड बॉलर्स फॉर पाकिस्तान इन दिस आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। और जितनी तारीफ की जाए कम है, मतलब ही डिजर्व अ विकेट देयर। और स्टोक्स जो अपना ही वॉज राइटिंग इज लक, कभी कैच जो है वो फील्डर से शॉट गिर रहा है, कभी कैच जो है वो ओवर द हेड जा रहा है फील्डर के, रन आउट मिस हो रहे हैं, चॉप ऑन मिस हो रहे हैं, बीट हो रहा है, आउट नहीं हो रहा। लेकिन कहते ना इट व्हेन इट इज योर डे इट गोज योर वे, तो उसके सॉरी तबीयत मेरी अभी भी नहीं ठीक, सॉरी। तो बात हो रही थी स्टोक्स के लक की, तो स्टोक्स का जो लक है वो चल रहा था, और क्या खूब चल रहा था इंग्लैंड के लिए, फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था हमारे लिए। ब्रूक जो था वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ब्रूक जो थे व्हेन ही ट्राई टू गेट, और वहां से मैच फंस गया था। 5 ओवर में 45 रन चाहिए थे, और आउट 6 ओवर में 49 रन चाहिए थे। और हैरी ब्रूक जो थे देन ही गॉट आउट आफ्टर ट्राइंग टू लॉफ्ट शादाब खान टू द बाउंड्री, और वहां से फिर जब ब्रूक आउट हुए, शाहीन ने कैच किया, 20 रन बना के ब्रूक आउट हुए, लेकिन वहां पे शाहीन को चोट लग गई थी, इंजरी से अभी बाहर हुए थे, राइट नी जो अभी उनकी हुई थी उससे उन्होंने दोबारा वो लैंड किया ऑकवर्डली, और उनको चोट लग गई शाहीन को, दोबारा उनको इंजरी हो गई। खैर ही कंटिन्यूड ऑन द पिच, लेकिन मोइन अली आया फिर, और जब शाहीन की ओवर की बारी आई तो वो शाहीन जो थे वो कुडन कंटिन्यू, और शाहीन हैड टू गो ऑफ द फील्ड, शाहीन जो था उनको फील्ड से जाना पड़ा। He tried but he couldn't, और these images literally made me cry. एक साल उसने वेट किया था अपने आप को एवेंज करने के लिए, वो जो वेड ने उन्हें छक्के मारे थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी शाहीन जो था वो इंजर हो गया, इसमें अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शाहीन जो थे वो इंजर हो गए, और शाहीन had to go off the field, और ये images देखिए, मतलब जरा टोटली हार्ट ब्रेकिंग, इवन इफ यू आर इंडियन फैन, क्योंकि इंडियन ही सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, आपको पता चलेगा कितनी दुख वाली तस्वीरें। लेकिन फिर भी कुछ इरफान पठान जैसे इडियट्स जो है वो इसको ट्रोल करेंगे, मोहम्मद शामी जैसे इडियट्स ट्रोल करेंगे। हालांकि जब पिछले वर्ल्ड कप में शामी को इंडियन ने गद्दार लेबल कर दिया था, रिजवान ने उसके हक में ट्वीट की थी, लेकिन आज शामी ने जो ट्वीट की ना, वो अपने जर्फ जर्फ की बात होती है। बस ये छोड़ो, ऐसी बेशरम लोग हैं। अच्छा, तो इफ्तिखार है टू बोल द रेस्ट ऑफ द 5 बॉल्स फॉर द इंजर्ड शाहीन, और वहां से गेम चेंज हो गई। स्टोक्स ने एक चौका एक छक्का लगाया, और 13 रन बन गया, 28 रन दिए थे 4 ओवर में, और वहां से पाकिस्तान फॉट एंड फॉट वेल, लेकिन वहां से इंग्लैंड देन टुक द गेम अवे, और बाउंड्रीज अगले ओवर में भी 3 लगी, और इंग्लैंड को 6 रन चाहिए थे 10 बॉलों पे, और द वर्ल्ड कप वाज ऑल बट गॉन फॉर पाकिस्तान। मोहम्मद वसीम जूनियर देन केम एंड बॉल्ड आउट मोइन अली आफ्टर स्कोरिंग 19 of 13, लेकिन दैट वाज टू लिटिल टू लेट फॉर पाकिस्तान, और बाउंड्री लगी उसी ओवर में, और जब 1 रन रह गया था 7 बॉलों में, तो इंग्लैंड जो था स्टोक्स ने विनिंग शॉट खेली, और स्टोक्स ने अपनी 50 कंप्लीट की विच वॉज फुल ऑफ लक, 50 of 49 जिसमें 33 पे तो आउट होता बचे। खैर, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बेन स्टोक्स, ही प्लेड वेल, कैप्ट हिज काम अंडर प्रेशर, वेरी वेल प्लेड बाय बेन स्टोक्स, और ही हिट द विनिंग रन फॉर इंग्लैंड, और इंग्लैंड जो था दे वन द वर्ल्ड कप, और इंग्लैंड वर द चैंपियंस ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया।
और पाकिस्तान जो था ये मैच हार गया। इंग्लैंड चेज वन बाय 5 विकेट विद 1 बॉल टू गो। सैम करन वॉज नेम्ड एज द मैन ऑफ द मैच एंड एज वेल एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड इन द फाइनल। कहते हैं ना लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कैन नथिंग बट लव एंड अप्रिसिएशन शुड गो आउट टू ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ दिस पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम। दे गेव देयर हार्ट आउट, दे फॉट लाइक वॉरियर्स, प्लेड लाइक चैंपियंस। हाँ, हमारे 10-15 रन और इधर उधर होते तो हम यहाँ वर्ल्ड कप जीत चुके थे, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग है ना, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और वी आर नथिंग बट प्राउड ऑफ आर टीम फॉर गोइंग। कहाँ हम सेमीफाइनल भी नहीं पहुँच खेल रहे थे, लेकिन अल्लाह ने और इन लड़कों ने जिस तरह पे हमने किया, फाइनल खेले, फाइट करके हारे, कोई मसला नहीं है। लड़के जो हारा है हमको प्यारा है वो। पाकिस्तान वी आर ऑल बट प्राउड ऑफ यू, हार्ड लक, कोई मसला नहीं, मुसीबतें आएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह हम जो हैं आगे भी इंशाल्लाह ऐसे बहुत मौके आएंगे, लेकिन ये इमेजेस जो है ना, इन्होंने मुझे मतलब अंदर से तोड़ दिया। शादाब, हारिस रऊफ, जिस तरह यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे सारे, मतलब दे आर टोटली हार्ट ब्रोकन ऑब्वियसली, लेकिन चिना बॉयज, द एंटायर नेशन इज प्राउड ऑफ यू गाइज, यू फॉट लाइक वॉरियर्स, यू आर द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान, वी ऑल लव यू, आई लव यू, यू आर द हीरोज ऑफ दिस नेशन, यू हैव, आप लोगों को आप फख्र होना चाहिए अपने आप पे कि आपने इतनी अच्छी फाइट की। कहाँ पे कोई मुल्क जो है वो ग्रेस ग्रेस करता 10 विकेटों से हारता है, लेकिन हम जो है फाइट करके हारे हैं। और तारीफ भी किया है काफी ज्यादा उन्होंने, काफी ज्यादा फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, जिस तरह हर्षा भोगले, संजय मंजरेकर, आयन बिशप, जिस तरह इन सब ने तारीफ की है, तारीफ वो जो दुश्मन करे। जिस तरह की बॉलिंग की पाकिस्तान ने तारीफ की, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग है जो इंग्लैंड के बैटिंग लाइन को इतना छोटे टारगेट पे भी आखिरी ओवर तक लेके आ सकती है, तो नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान एंड लव फॉर पाकिस्तान। इंग्लैंड प्लेड लाइक चैंपियंस, वो द बेटर साइड ऑन द डे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड, यू हैव अर्न द राइट टू बी द फर्स्ट टीम टू होल्ड बोथ द ओडीआई एंड द T20 वर्ल्ड कप एट द सेम टाइम। बेन स्टोक्स हैज कम्प्लीटेड हिज रिडेम्पशन, 2016 से 2022 में वाले T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी रिडेम्पशन कम्प्लीट कर ली। सो दैट्स इट, बस इंशाल्लाह होपफुली विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, होप यू लाइक्ड इट। इंग्लैंड जो है वो 5 विकेटों से जीत गया। इंग्लैंड ने वन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2022। दैट ब्रिंग्स एन एंड टू माय कवरेज ऑफ द ICC मेंस वर्ल्ड कप एडिशन। Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. Pakistan Zindabad. Pakistan, we love you. Team Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.